चलिए दोस्तों इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने ऑन कर दिया और स्विंग देखिए बहुत स्मूथ घूम रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से आप जब मार्केट से लोकल वाला जो आर्मेचर लाते हैं तो वो किस तरह से फिट नहीं हो पाता है और उसकी जो शाफ्ट होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, तो आप किस तरह से इस टाइप की जो चाबी घाट होती है ये किस तरह से बनाएंगे, तो इस टाइप की जो आपकी टीथ आती है ग्राइंडर के जार को चलाने के लिए, तो ये किस तरह से इसकी चाबी घाट बना के इसमें फिट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो साइज है ये पहले से ही कटिंग होके ये आया है, तो आपको भी इस तरह से तो कटिंग करना है और इस तरह से चाबी घाट आपको बनानी है। चलिए दोस्तों किस तरह से बनाएंगे वो हम देख लेते हैं चाबी घाट। तो ये है नया वाला मार्केट से मैंने फिट कर दिया हूँ लाके, तो उसमें बनाना है चाबी घाट। तो उसमें चेक करना होगा सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है, तो उसी हिसाब से आपको ये नई वाली जो आर्मेचर है उसमें आपको मार्किंग करनी है और सेट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको उसकी ही बेस में, क्योंकि इसमें 22 में लगाएंगे तो ये टूटने का भी चांस है, तो उसी की ही प्लास्टिक के बेस में इसकी तरह से फिट करनी है और आपको इस तरह से इसमें ग्राइंडिंग चलानी है। तो हमारा जो लगभग मेजरमेंट आ रहा है तो यहाँ पर यहाँ तक का कटिंग का मेजरमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप भानियर है तो भानियर से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर आप स्केल से ही इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, कहीं पे इस तरह से रख दीजिए और हाइट इसका मेजरमेंट कर लीजिए। तो इसकी जो मेजरमेंट आ रही है 137 mm की आ रही है, तो 137 mm हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। तो उसके बाद फ्रंट में आपको 3 स्क्रू का ऐसे घाट दिखने को मिल जाएगा, तो इस तरह से इसमें जो लंबी वाली स्क्रू है आपको इसमें लगा देनी है, जो कि ये लॉक हो जाएगा, घूमेगा नहीं जहाँ तक आपको सेट करनी है, क्योंकि इसमें ग्राइंडिंग चलाना है। इस तरह से रख के आपको इसको टाइट कर देनी है, तो ये घूमेगा नहीं। जैसे से इसमें घाट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो 9 mm की पीछे और घाट बनानी है, तो हल्की सी काम है, कर लेंगे फटाफट से, दोनों तरफ से करनी है। तो सेम टू सेम दूसरी साइड का करनी है, तो ऐसे ऊपर उठा के इसको मूव कर देनी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर इसको कस देनी है। तो यहाँ पे मैं ठंडा कर दिया हूँ, चिल कर दिया हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें कट लगानी है। ठीक है, कट होने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें ये घाट सही से बना है या नहीं। थोड़ी सी टाइट रखेंगे, ज़्यादा भी टाइट मत कीजिएगा और ज़्यादा भी लूज मत कीजिएगा। ठीक है, और मीडियम रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कट लगानी है, तो सेम टू सेम है, और इसको टाइट कर देते हैं। और बीच बीच में थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा क्योंकि ये गर्म होगा, तो इस ये भी मेल्ट होने का भी चांस है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा देख के आपको कट लगानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे परफेक्टली होके हो चुका है। चलिए दोस्तों इसमें फिट करते हैं, इसको चला के देखते हैं। तो जितना भी है इसमें सब पानी फानी सब पोंछ लेते हैं, और इसमें आपका बूस है वो आपका कॉपर की है, ब्रास की है, तो ये क्या होगा, ये जंग नहीं पकड़ेगा इतना जल्दी। अगर इसमें आपको मेटल का लगा देंगे, तो इससे पहले जो लगा था वो मेटल का लगा था, तो उसमें क्या है कि इसमें अगर पानी भी गिरता है तो वो जंग पकड़ लेता है, तब क्या होता है कि आपकी जो आर्मेचर की जो कम्यूटेटर है वो टूट जाता है या वायरिंग इसका बिगड़ जाता है। तो जब भी आप इसमें बूस लगाए तो ब्रास की बूस लगाए, तो इसमें क्या होगा, पानी गिरने से भी ये रस्ट नहीं होगा, जंग नहीं पकड़ेगा। तो आप देखेंगे दोस्तों इसकी जो स्क्रू है तो ये पूरी तरह से रस्ट हो चुकी है, तो इसको करना क्या होगा, आपको सही करना होगा। ठीक है, नया तो आप कोई भी डाल देगा, लेकिन इसको आपको सही करना है, क्योंकि ये मार्केट में इसी साइज़ का और इस डिज़ाइन का नहीं मिलता है आपको। तो क्या करना होगा, इसमें ग्राइंडिंग में थोड़ा सा हल्का सा दिखा देंगे और इसमें ग्रुप बना देंगे, तो ये काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं घिस के थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ,
अगर क्लीन भी नहीं करूँगा तो भी मैं यहाँ पे बीच में कट लगा के इसको ग्रुप बना दूंगा, तो क्या होगा इसको मेरे को टाइट करने में आसानी होगा। ये तीनों को फटाफट से करके आपको दिखाता हूँ इसकी फिनिशिंग, ठीक है। तो गाइज देखिए दोस्तों, स्क्रू सालों साल अब चलने के लिए रेडी हो चुका है। मैंने इस तरह से कट लगा दिया हूँ तो आसानी से ये स्क्रू टाइट हो जाएगा। तो फटाफट से चलिए इसमें फिट कर देते हैं पूरी पूरी। ये इसकी रबर है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लगेगी। ये मैंने फिट कर दिया हूँ। ये कहाँ पे सेट होता है, ये कुछ इस तरह से सेट होगा लग रहा है, ठीक है जी हाँ दोस्तों, इस तरह से सेट होगा। ये यहाँ पे तीन होल आ गया है आमने सामने, तो हम स्क्रू लगा देते हैं इसको। तो अब दोस्तों तीनों को स्क्रू को हल्की हल्की इक्वल टाइट लगानी है। थोड़ी सी इसको मूव करनी है, ठीक है, मूव करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, ये एक सेट इसको मूव करनी है, बस इतना ही काम है और मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ फटाफट, ठीक है। फाइनली यहाँ पे फिट हो चुका है और यहाँ पे गैप भी बन चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया हूँ, अब इसको लगाना है यहाँ पे। ये है 0 1, ठीक है, ये 0 मतलब स्विंग होगा, 1 मतलब 1 टर्न होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 0 1 लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आपको इसको सेट करनी है। वन और ये 0, ठीक है, और इसमें जाएगा आपका मेन पावर इनपुट होगा रेड वाली वायर, और इसमें जो होगा ब्लैक कलर वायर ऐड होगा। उसमें क्या है आपका जो रिसेट स्विच है वो इसमें कनेक्ट होगा और इसकी बॉडी के साथ ग्राउंड कनेक्शन होगा, ठीक है। इतना ही वायरिंग है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को लाना पड़ेगा एक रिसेट स्विच जो कि इसकी टूट चुकी थी, तो फटाफट लाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लगा देते हैं, इसकी नट लगती है यहाँ पर। तेरा मेरा मिलना कोई आम बात नहीं। तो ये सेट हो गया है, आप चलिए दोस्तों इसमें केबल लगाएंगे। और उसके पहले मेरे पास दो टाइप की रिसेट स्विच है, कुछ ये इस टाइप की है और कुछ इस टाइप की पैकेट में आती है, ठीक है। ये 2.7 एम्पियर की है टीहर्ची, ठीक है। ये होगा योग्या का है, ये ट्रिप पावर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। दोनों का रेट भी लगभग सेम ही है, ये इसकी बॉडी के साथ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें जो भी पिन में इसको लगा सकते हैं, किसी एक पिन में आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लगा दिया हूँ, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं, लॉक हो गया ये। और इसकी जो पावर केबल है, पावर केबल में भी ये भी फंसा हुआ है, इसको भी निकाल देते हैं। ये निकल गया है, दूसरी साइड में इसको लगानी है, ठीक है। तो ये नहीं निकलने वाला है, ये लॉक हो गया है। उसके बाद पावर का जो इनपुट है उसमें इसको लगा देते हैं, ठीक, ये लग गया है। और ग्राउंड का जो वायर है वो इसमें कनेक्ट कर देंगे। इस लॉक को खोलना पड़ेगा, तो मैं फटाफट खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये प्रेस हुआ रहता है, बस इसको खोलना होता है, नहीं तो आप इसके ऊपर में सोल्डर भी कर सकते हैं। तो अभी फटाफट सोल्डर नहीं करेंगे, इसको खोल के इसको प्रेस कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो इसमें प्रेस कर देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर इसमें सोल्डर करेंगे। सो गाइस यहाँ पे पिन लगा दिया हूँ, तो चलिए दोस्तों इसमें स्क्रू लगा देता हूँ और उसके बाद इसकी काम अब टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का टाइम आ गया है, लगभग हमारा ये कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने ऑन कर दिया और स्विंग देखिए बहुत स्मूथ। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें ग्रुप बना सकते हैं, घाट बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने घाट को कट करके आपको दिखाता हूँ,
ठीक है, घाट करके मैंने रखा हुआ है ये, ठीक है, इतना निकला है इसके अंदर से। पुराना जो आर्मेचर था इसकी जो घाट है, चाबी घाट, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों इसमें जो जार है उसको फिट करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये हाइट भी 19-20 होगा तो दिक्कत कर सकता है। तो दोस्तों यार जार में थोड़ा सा पानी ले लिया हूँ, ठीक है, कवर दे देता हूँ और चला के दिखाता हूँ आपको। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबकी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।